अणु परमाणु इंग्लिश में से एटम अणु मॉलिक्यूल परमाणु को एटम अणु को मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब परमाणु के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ, ये डस्टर देखते हैं, चोक देखते हैं, हम डस्टर को ही तोड़ देते हैं। अब सोचिए कि डस्टर है, कोई भी पदार्थ तोड़ते गए कितना तोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका अंत होना है और वो अंत हो गया। सबसे छोटा टुकड़ा ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है। अब इस परमाणु को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, जब हमको बड़ा करके जब हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक नाभिक पता नाभिक मिलता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन मिलता है और अंदर में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन, अब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें जो कि परमाणु में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में क्वेश्चन क्या आता है, ईंट पर नाच। आप लोग लग रहा है कि कौन सा बात है, पर बोलिए या फिर पग बोलिए। इससे ये पता चलता है कि ई से ईंट और टा से जे ऑप्शन, जे ऑप्शन। उसी प्रकार से पर और पर खोज, इसका खोज करता कौन है, गोल्डस्टीन। और रा से आपका रदरफोर्ड और ना से आपका न्यूट्रॉन और चार से आपका चैडविक। तो इसको हम इसलिए लिखवाएं क्योंकि ईंट पर नाच या ईंट पर नाच इसलिए लिखवाएं ताकि आपको पता चल सके इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, प्रोटॉन का खोज किसने किया है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉमसन ने किया है। आप लोग देख सकते हैं इस चीज को, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, आप ठीक समझ लीजिए इसको। और प्रोटॉन का खोज किसने, गोल्डस्टीन ने किया है। और उसका जो नामकरण दिया था किसके द्वारा दिया गया है, प्रोटॉन का, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और नाच न्यूट्रॉन और सब कुछ इसने किया, चैडविक ने किया। ये तो थोड़ा बेसिक बात था परमाणु का। अब हम बहुत सारे परमाणु या दो परमाणु को मिला के, दो या दो से अधिक परमाणु को मिला के एक अणु का निर्माण कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन आप कोई भी पुस्तक में जाकर देखिए आपको मिल जाएगा। दो परमाणुओं को मिला के एक अणु का निर्माण किया जा सकता है, दो से अधिक परमाणु को मिला के तो एक अणु का निर्माण होता है। आप हाइड्रोजन में कोई देखो उसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, सिर्फ दो परमाणु हैं। तो दो परमाणु कौन कौन है, H और H, अगर इसको मिला देंगे तो एक अणु का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये था तो अणु का डिफिनेशन और ये परमाणु के बारे में बेसिक था। हम आने वाले समय में इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाले समय में फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, मैथ्स, रीजनिंग और भी जीके के बहुत सारे टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए।